हम लोग अभी 9:35 पे शुरू करेंगे, तब तक जरा मजीद पार्टिसिपेंट्स हमें ज्वाइन कर लें। हम लोग सेशन को 9:35 पे शुरू करेंगे, तब तक हम ज़रा वेट कर रहे हैं अगर कोई और पार्टिसिपेंट्स हमें ज्वाइन कर ले। तो जो लोग ज्वाइन कर चुके हैं, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको आवाज़ वगैरह बिल्कुल क्लियर आ रही है तो काइंडली ग्रुप के ऊपर जस्ट एक मैसेज कर दें, और अगर कोई इशू है तो वो बता दें, ताकि फिर मैं उसके हिसाब से तब तक क्लियर कर दूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा, आज हम अपने सेशन नंबर 2, ये जो रस्ट की प्रोग्रामिंग के हवाले से, उसका आगाज़ करेंगे, और ओवरऑल ये हमारा जो सीरीज है सेशन की, उसका सेशन नंबर 8 होगा। ठीक है, तो आज का जो हमारा प्लान है उसमें हमने डिस्कस करने हैं वेरिएबल्स, उनकी टाइप्स। ठीक है, तो हम कंटिन्यू करते हैं। बीच में असल में आज मुझे बड़ा सा एक दो दिन से फ्लू हो रहा था, आज वो काफ़ी ज़ोर पकड़ चुका है, तो अगर कोई आवाज़ वगैरह में इस तरह कोई इशू इशू होता है तो प्लीज़ आप मुझे अपडेट कर दीजिएगा। वैसे तो मैंने भी कंफर्म किया है, इनिशियल जिन्होंने हमें ज्वाइन किया था उन लोगों से, तो वो बता रहे हैं कि आवाज़ उनको क्लियर आ रही है। एनीवे, हम स्टार्ट करते हैं जी। आज हम देखेंगे डेटा टाइप्स। ठीक है, इस वाले सेशन को आपने काफ़ी ज़रा गौर से देखना है और जहन में भी बिठाना है। उसकी वजह यह है कि ये डेटा टाइप्स का ना, आप का कदम कदम पे आपको ना इनसे वास्ता बढ़ता रहेगा। तो यूँ समझ लीजिए कि डेटा टाइप्स के हवाले से जो हम वेरिएबल बना रहे होते हैं, इनका और आपके प्रोग्रामिंग का रस्ट की ना चोली दामन का साथ होगा। तो जितने अच्छे तरीके से हम ये वाले कंसेप्ट मतलब ग्रैस्प कर लेंगे, उतना ही हमें आगे जाके ना प्रोग्रामिंग करते हुए आसानी रहेगी। तो
रस्ट के अंदर जो भी हम वैल्यू कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं ना, वेरिएबल हमने कल अच्छा खासा डिस्कस किया था, तो उसकी हमें ना कोई डेटा टाइप रखनी पड़ती है। जैसा कि अगर हम अपनी वापस किचन वाले एग्जांपल पे आ जाएं, तो हमने कहा था कि जो जग है ना, उसको उसके अंदर एक खास तरह की चीज़ आती है, कोई लिक्विड टाइप की चीज़ रखने के लिए जग का, और इसी तरह गिलास का इस्तेमाल होता है, ठीक है। इसी तरह कुछ सेमी सॉलिड किस्म की चीज़ को रखने के लिए प्लेट का इस्तेमाल होता है, सही है। तो इसी तरह से जो रस्ट है ना, इसके अंदर जो वेरिएबल्स बनते हैं वो भी मुख्तलिफ तरह के टाइप का डाटा अपने अंदर स्टोर कर सकते हैं। तो अब नॉर्मली जब हम कोई वेरिएबल बनाते हैं तो उसकी भी कोई मखसूस डेटा टाइप होती है। अगर हम नहीं बनाएंगे ना, तो रस्ट खुद से कुछ एज्यूम कर लेता है। वो क्या एज्यूम कर लेता है, ये सारी बातें भी हम आगे जाके वन बाय वन देखेंगे। तो जितनी भी वैल्यूज होती हैं रस्ट की, वो किसी खास डेटा टाइप की होती है। और जब हम वेरिएबल बनाते हैं तो रस्ट क्या करता है कि रस्ट उसकी जो हमने वैल्यू प्रोवाइड की होती है उस वेरिएबल के अंदर, इनिशियलाइजेशन के टाइम पे जब वेरिएबल बना रहे होते हैं उस टाइम पे, तो वो उस वैल्यू को देख के ना ऑटोमेटिकली कोई ना कोई टाइप असाइन कर देता है रस्ट अकॉर्डिंगली। वो भी हम सारी चीजें डिटेल में देखेंगे, अभी मैं सिर्फ कंसेप्ट दे रहा हूँ, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं, वो जो रस्ट अपनी मर्जी से डेटा टाइप की वैल्यू दे रहा है वो ना हो, मेरी मर्जी की हो, तो फिर आप स्पेसिफिकली जब आप वेरिएबल बना रहे होंगे उस वक्त आप रस्ट को बता देंगे कि भाई ये जो वेरिएबल आपने बनाना है ना, ये इस डेटा टाइप का बनाना है। इसके अलावा रस्ट जो है वो एक स्टेटिस्टिकली टाइप लैंग्वेज है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि बस लैंग्वेजेस होती हैं कंप्यूटर की, प्रोग्रामिंग की, जिसके अंदर आप जब वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो आपको उसकी टाइप बताने की जरूरत नहीं होती। लेकिन जो रस्ट है ना, इसमें उन्होंने मस्ट किया हुआ है कि जब भी किसी प्रोग्राम में कोई वेरिएबल डिक्लेयर होगा तो उसकी वैल्यू आपको पहले से बतानी पड़ेगी या कंपाइलर को पता होनी चाहिए। और अगर आपने नहीं बताई भी तो रस्ट अपनी मर्जी से अकॉर्डिंग टू द डेटा जो आप उसको दे रहे हैं उस वेरिएबल को, उसके मुताबिक उसकी वैल्यू खुद से इज्यूम करके उसके अंदर डाल देगा, ठीक है। तो अभी इस वाली स्लाइड में जो याद रखने वाली बात है वो ये है कि रस्ट के अंदर डिफरेंट डेटा टाइप्स होती हैं, और जब भी आप कोई वेरिएबल बनाते हैं तो उसकी कोई ना कोई डेटा टाइप आपने जरूर देनी होती है। और अगर आप डेटा टाइप नहीं देंगे तो रस्ट खुद से इज्यूम करके कोई ना कोई डेटा टाइप डिफॉल्ट वाली जो होती है वो ऐड कर देगा उस वेरिएबल के साथ। अच्छा, जो रस्ट है ना, इसमें दो मेजर कैटेगरीज या दो मेजर क्लासेस हैं डेटा टाइप्स की, एक है स्केलर और एक है कंपाउंड। तो अभी हम इनिशियली इस सेशन में पहले हम देख लेंगे स्केलर वाली और फिर देखेंगे कंपाउंड वाली। तो जो स्केलर की डेटा टाइप है, इस टाइप में जब हम कोई वेरिएबल बनाते हैं तो उसके अंदर एक सिंगल वैल्यू स्टोर होती है, वेरिएबल के अंदर एक सिंगल वैल्यू, ठीक है। वो क्या होती है अभी हम स्टेप बाय स्टेप आगे देखेंगे। और ये जो स्केलर डेटा टाइप है ना, इसकी आगे फर्दर चार टाइप्स हैं। ये तो क्लास होगी ना स्केलर टाइप, और इसके अंदर ना चार तरह की डेटा की टाइप्स होती हैं। कौन कौन सी? नंबर वन इंटीजर, उसका नाम इंटीजर है। नंबर टू है फ्लोटिंग पॉइंट, नंबर तीन है बुलियन, और नंबर चार है कैरेक्टर। अब हम इनको वन बाय वन देखेंगे भी, थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे, बना के भी देखेंगे, चला के भी देखेंगे, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले स्केलर टाइप की क्लास को डिस्कस करने लगे हैं, और उसके अंदर जो इसकी चार डेटा टाइप्स हैं इस क्लास की, इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट, बूलियन और कैरेक्टर, इन चारों को अब हम वन बाय वन देखेंगे। अच्छा, इन्होंने अपनी स्लाइड में, चूंकि मैंने आपको बताया था कि स्लाइड्स में दो, ये जो सेशन है हमारा ये टोटली नॉन ऑफिशियल है, अनऑफिशियल है, नॉन PIAIC रिलेटेड है, लेकिन जो स्लाइड्स हम यूज़ कर रहे हैं ये वही वाली स्लाइड्स हैं जो कि PIAIC ने हमें प्रोवाइड की हुई है। इसमें खुद से कोई कंटेंट ऐड नहीं कर रहा। तो इन्होंने खैर कंपाउंड टाइप का भी इंट्रोडक्शन ही पे दे दिया, तो इसको हम जरा बाद में देख लेंगे। अभी हम डेटा टाइप्स इन रस्ट देख ली, हमने दो तरह की होती है क्लासेस, दो तरह की होती है स्केलर और कंपाउंड। उस स्केलर के अंदर चार तरह की टाइप्स हैं, इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट, बूलियन और कैरेक्टर। अब हम देख लेते हैं कि ये क्या है। तो जनाब, स्केलर टाइप में सबसे पहली जो टाइप आती है उसका नाम है इंटीजर।
इंटीजर जो टाइप होती है इसके अंदर जो डाटा आता है वो काइंड ऑफ ए होल नंबर आते हैं, इसमें वो जो पॉइंट्स वाला नंबर्स होते हैं ना वो नहीं आते। इंटीजर टाइप होंगे वो होंगे जिसमें 10 है, 2 है, 50 है, 90 है, 1000 है, ये सारे कंप्लीट नंबर्स हैं। इनके साथ कोई फ्रैक्शन ऐड नहीं हुई भी, इनके साथ कोई पॉइंट लगा के जिसमें 10.25 होता है, ठीक है, 9.50 होता है, 3.17 होता है, तो ये सारी इंटीजर टाइप नहीं है, ये जो मैं पॉइंट्स वाली बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो इंटीजर टाइप होती है ना ये वो होती है जिसमें कोई पॉइंट, कोई डेसिमल, कोई डॉट नहीं लगा होता, ये कंप्लीट एक नंबर होता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सो ऑन, ठीक है। अच्छा अब देखिए, जिस तरह हम बाजार जाते हैं और कोई चीज खरीदते हैं, तो पुराने जमाने में क्या होता था कि जो दुकानदार होता था हमें वो चीज ना शॉपिंग बैग में डाल के दे देता था। तो सपोज अगर हमने आधा किलो कोई चीज ली है तो वो हमें एक छोटे शॉपिंग बैग में डाल के देता था। तो ज़ाहिर है शॉपिंग बैग पे पाबंदी लग गई है ना, तो पहले ज़माने की, इससे मैंने कहा था कि पुराने ज़माने की बात है। तो अगर हम उससे वही चीज़ 10 किलो ले लेते थे तो फिर वो ज़रा बड़े शॉपिंग बैग में डाल के देता था, ठीक है ना। तो जितनी चीज़ की क्वांटिटी होती थी उसके हिसाब से वो डिसाइड करता था कि यार इसको कितने साइज़ का शॉपिंग बैग दूँ ताकि वो सारी की सारी चीज़ जो है वो उस बैग के अंदर आ जाए कम्प्लीटली ना, ठीक है। तो इसी तरह जो इंटीजर टाइप है ना इसके बिना कोई साइजेस होते हैं, कोई बैग साइज जितना होता है, ठीक है। तो जो छोटा बैग का साइज होता है वो जाहिर है कम चीज स्टोर कर सकता है अपने अंदर, और जो बड़े साइज का बैग होगा वो ज्यादा चीज स्टोर कर सकता है। सेम इज द वे विद दिस, कि जो इंटीजर टाइप है ना इसके भी कुछ साइजेस हैं, ठीक है। इसमें है 8, 16, 32 और 64, अच्छा ये किसी भाई ने मुझे मैसेज किया है, तो प्यारे भाई रिकॉर्डिंग का मैं आपसे वादा नहीं करता, आप कोशिश करें कि हमारे साथ अभी सेशन ही ले लें। एनीवे, अच्छा तो हमारे ये जो बैग साइज हैं कुछ ना इंटीजर के कुछ साइजेज हैं, जिसमें से पहला साइज है 8, दूसरा है 16, तीसरा है 32 और चौथा है 64, और फिर एक और साइज है वो क्या है वो मैं बाद में बताता हूँ आपको। अच्छा तो इसमें क्या होगा कि अब इंटीजर है ना, एक और कंसेप्ट पहले आप देखें। पहला कंसेप्ट है कि कुछ वैल्यूज होती हैं जिसके अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वैल्यूज आ सकती हैं, यानी कि प्लस भी आ सकता है माइनस भी आ सकता है। जैसे हम कहते हैं टेम्परेचर, तो टेम्परेचर अगर हम सपोज कर लें, वैसे तो टेम्परेचर इंटीजर टाइप नहीं होता क्योंकि टेम्परेचर में भी पॉइंट्स आ रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन सपोज कर लेते हैं कि हमारे यहाँ टेम्परेचर पॉइंट्स में नहीं होता, फुल नंबर में होता है, इनके 1 डिग्री सेंटीग्रेड, 2 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, वो 99.9 नहीं होगा, सपोज कर लेते हैं, बिकॉज वो 99.9 होगा तो इंटीजर में ही रहेगी ना वैल्यू। तो भी हम सपोज कर रहे हैं कि कोई ऐसी चीज है, टेम्परेचर है फॉर एग्जाम्पल, जो कि कंप्लीट रहता है 1 2 3 4 की फॉर्म में। तो देखिए टेम्परेचर पॉजिटिव में भी होता है और नेगेटिव में भी होता है। जब बहुत सख्त सर्दी पड़ती है तो मरी वगैरह इधर उधर गिलगित वगैरह में टेम्परेचर -10, -15, -20 हो जाता है, ठीक है। और जब गर्मी पड़ रही होती है तो जैकबाबाद सिब्बी में +50 तक भी चला जाता है, ठीक है। तो अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें पॉजिटिव वैल्यूज भी आ रही हैं, नेगेटिव वैल्यूज भी आ रही हैं, प्लस वाली वैल्यू भी आ रही है, लेकिन जीरो से पहले माइनस वाली वैल्यूज भी आ रही हैं। तो ये वैल्यूज होंगी साइंड वैल्यूज, कि इसमें पॉजिटिव वैल्यू भी आनी है, नेगेटिव वैल्यू भी आनी है। लेकिन कुछ वैल्यूज ऐसी होती हैं जिनमें सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू होती है, इसमें नेगेटिव नहीं आ सकती। फॉर एग्जाम्पल आपकी एज, अब कोई बंदा -1 ईयर का नहीं हो सकता, ठीक है, वो 1 ईयर का होगा, 2 ईयर का होगा, 10 ईयर का होगा, 100 ईयर का होगा, 150 ईयर का होगा, बट वो -1, -10, -20 ईयर्स का नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो एज टाइप का जो डाटा है वो ऐसा डाटा है जिसके अंदर नेगेटिव वैल्यू नहीं आ रही होती, सही है। तो सॉरी, तो दो बातें हमने देख ली, एक तो ये देख लिया कि कुछ डेटा इंटीजर टाइप का साइंड होता है, यानी कि जिसमें प्लस और माइनस दोनों तरह के नंबर आते हैं, और कुछ डेटा अनसाइंड होता है जैसा कि एज, उसमें सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर ही आते हैं, सही है। तो अब इन चीजों को आप देखते हुए इस टेबल को देखें, तो इसमें देखें लिखा हुआ है लेंथ। लेंथ का मतलब है आपके वेरिएबल का साइज। आपको पता है ना कि मेमोरी में जो मेमोरी का जो साइज होता है डेटा का,
वो बिट्स की फॉर्म में होता है, तो 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट, 64 बिट, ठीक है। तो ये इसको आप अपने बैग का साइज समझ लो, हमने कहते हैं शॉपिंग बैग का साइज होता है, तो कम डाटा के लिए हम छोटा शॉपिंग बैग इस्तेमाल करते हैं, बड़े चीजों के लिए फिर बड़ा शॉपिंग बैग लेना पड़ता है बड़ी क्वांटिटी के लिए। सेम इज द वे विद दिस, ये देखिए आपकी एज है, तो एक बंदे की मैक्सिमम एज कितनी हो जाएगी, 150 हो जाएगी, ठीक है, इससे ज्यादा तो नहीं होगी। चले बहुत ही कोई अजीम तरीन इंसान होगा तो आजकल के दौर में मतलब 150 से ऊपर तो नहीं जा सकता, चले हम एज्यूम कर लेते हैं 200 चला जाएगा, 200 से ऊपर तो वैल्यू नहीं आएगी, नंबर एक। और नंबर टू की एज में 0 से नीचे वाली वैल्यू, कोई नेगेटिव वैल्यू भी नहीं आ रही होगी, ठीक हो गया। तो ये एज के डाटा टाइप ही, अगर हमने किसी जगह एज स्टोर कर लेंगे तो उसकी दो प्रॉपर्टीज हमने देखते हुए वेरिएबल डिजाइन करना है, ठीक है। अब आप देखेंगे अगर आपने आधा किलो चीनी ली हो दुकानदार से, और शॉपिंग बैग आप वो ले लें जिसमें 10 किलो चीनी आ सकती है, उसका कोई फायदा होगा? नहीं होगा ना, वो शॉपिंग बैग सारे का सारा खाली होगा, एंड में जरा सी चीनी पड़ी होगी आधा किलो, क्योंकि शॉपिंग बैग का साइज बहुत बड़ा है। तो अगर आप उस वक्त इतना बड़ा शॉपिंग बैग जाया करने के लिए, क्योंकि जाहिर है जो बड़ा शॉपिंग बैग है उसकी प्राइस भी ज्यादा होती है और उसको पकड़ना भी उतना ही मुश्किल होगा क्योंकि उसका साइज बड़ा लंबा सा होगा, तो बीच में आधा किलो चीनी आपने रखी होगी, तो उससे अच्छा नहीं है कि अगर आप एक छोटा वाला साइज का बैग ले लें तो उससे ये होगा कि वो आपके आराम से हाथ में भी आ जाएगा और आपकी जो रिसोर्सेज हैं वो जाया भी नहीं होंगी बैग की। तो सेम इज द वे विद दिस कि अगर हमने एज स्टोर करनी होगी तो हमें उस साइज का वेरिएबल रखने की जरूरत नहीं है कि जिस साइज के वेरिएबल में हम फॉर एग्जांपल किसी की सैलरी स्टोर कर रहे होंगे, बिकॉज सैलरी 1000 में होगी, लाख में होगी, ठीक है, लेकिन एज जो है वो मैक्सिमम 200 तक चली जाएगी, ठीक है। तो वही 5 किलो, आधा किलो और 10 किलो वाले बैग की एग्जाम्पल होगी कि कुछ वेरिएबल होंगे उसके लिए बड़ा साइज चाहिए होगा, इतना सैलरी है उसमें थाउजेंड में वैल्यूज आ रही है, लाख में वैल्यूज आ रही है, मिलियन में आ रही है, उसके लिए बड़े साइज वाला वेरिएबल यूज करेंगे इंटीजर का। और जहाँ पे हमारी छोटे साइज की वैल्यू आ रही है जिसका एज वगैरह ये वो, इसके लिए हम छोटे साइज के वेरिएबल यूज कर लेंगे। तो ये जो लेंथ है ना, ये बेसिकली साइज शो कर रही है, ठीक है। उसके आगे दो बातें लिखी है, एक है साइंड और एक है अनसाइंड। साइंड और अनसाइंड मैंने आपको समझा दिया कि जो साइंड टाइप का अगर आप वेरिएबल बनाएंगे तो उसमें क्या होगा कि नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वैल्यूज आप डाल सकते हैं जब आपका प्रोग्राम रन कर रहा होगा। और अनसाइंड टाइप अगर आप वेरिएबल बना देंगे तो उसमें क्या होगा कि नेगेटिव वैल्यू नहीं आएंगी, आप सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव डालने के काबिल होंगे, ठीक है। तो इस तरह अगर हम एज के लिए वेरिएबल बना रहे हैं तो हम अनसाइंड बनाएंगे, और अगर हम लाइक टेम्परेचर के लिए बना रहे हैं तो साइंड वाला बना लेंगे, बिकॉज उसमें नेगेटिव वैल्यू भी आ सकती है, पॉसिबल है। अच्छा, तो अब हमने क्या करना है कि हमने अब इसकी मतलब इंटीजर की टाइप्स देख ली कि नंबर एक तो ये कि एक तो लेंथ होती है, जब हम इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करने लगते हैं तो एक तो आपको उसकी लेंथ बतानी होती है और एक ये बताना होता है कि साइंड है और अनसाइंड है। तो लेंथ जो है ना वो 8 बिट होती है, 16 बिट होती है, 32 बिट होती है, 64 बिट होती है। तो अगर आपने साइंड टाइप का इंटीजर वेरिएबल बनाना है तो उसकी टाइप आप दे देंगे, अगर आपने 8 बिट का बनाना है छोटा साइज तो i8 दे देंगे, अगर आपने 16 बिट का बनाना है थोड़ा बड़ा साइज का वेरिएबल हो तो आप उसको i16 दे देंगे, इसी तरह 32 बिट का बनाना है तो i32 दे देंगे, उससे भी बड़ा बनाना है तो i64 दे देंगे, ठीक है। और इसी तरह से आगे अनसाइंड है कि अगर आपने अनसाइंड बनाना है, लाइक आपने उस पर एज स्टोर करनी है या इस तरह की वैल्यू स्टोर करनी है जिसकी नेगेटिव वैल्यूज इसमें नहीं आनी, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज ही आ सकती है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे कि अगर आपने 8 बिट का अनसाइंड बनाना है तो u8 दे देंगे, अगर आपने 16 बिट का बनाना है तो u16 दे देंगे, 32 बिट का बनाना है तो u32 दे देंगे, 64 बिट का बनाना है तो u64 दे देंगे, ठीक है। तो ये तरीकाकार है कि आपने इंटीजर टाइप डिक्लेयर करनी होती है तो नंबर एक तो आपने ये सोचना है कि सबसे पहले कि मैंने इसको साइंड बनाना है या अनसाइंड बनाना है, ठीक है। और फिर उसके बाद दूसरी बात आपने ये सोचनी है, तो अगर आप साइंड बनाएंगे तो आई लिखेंगे डिक्लेयर करते हुए, और अनसाइंड बनाएंगे तो यू लिखेंगे। दूसरी चीज आपने देखनी है कि इसमें कितनी बड़ी रकम आ सकती है मैक्सिमम, पहले से एंटीसिपेट करनी है, जैसे हम एज के बारे में एंटीसिपेट कर सकते हैं कि इसमें 200 से ऊपर तो बिल्कुल नहीं आएगी वैल्यू, ठीक है। तो वो एंटीसिपेट करके और उसमें मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू को जहन में रखते हुए आप उसका साइज सेलेक्ट करेंगे, तो वो आप अगर 8 बिट का बनाना है तो i8 दे देंगे या u8 दे देंगे, जो भी आपने अनसाइंड या साइंड सेलेक्ट किया था। इसी तरह 16 बिट का बनाना है तो आगे 16 लिख देंगे, 32 का बनाना है तो i32 लिख देंगे या u32 लिख देंगे, और 64 को बनाना है तो u64 या i64 लिख देंगे, ठीक हो गया। अब इसमें आखिरी लाइन है, वो है ARCH, इसका मतलब है आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर अब क्या मुसीबत होती है, देखिए जो हमारे कंप्यूटर शंप्यूटर होते हैं ना,
इनका ना एक आर्किटेक्चर होता है, कुछ कंप्यूटर होते हैं 64 बिट और कुछ कंप्यूटर्स होते हैं 32 बिट, ठीक है। तो अब जो भी नए कंप्यूटर आ रहे हैं, स्पेशली जो Core i3, Core i5, Core i7 होते हैं, या इससे पहले वो Core 2 Quad या Core 2 Duo वगैरह होते थे, ये सारे 64 बिट पीसीज होते हैं, ठीक है। और जो उससे पुराने होते थे वो 32 बिट होते थे, वो बहुत कम हो गए। तो ये ARCH ये बताता है कि आपका जो आर्किटेक्चर है ना कंप्यूटर का, या उस डिवाइस का जिस पे आपका प्रोग्राम रन हो रहा है, कल को हम एम्बेडेड प्रोग्रामिंग जब सीखेंगे सेकंड सेमेस्टर में, तो उस वक्त जब हम उस प्रोग्राम को उन एम्बेडेड डिवाइसेस पे रन करेंगे, तो अगर वो 32 बिट डिवाइसेस हैं तो ये जो उसका साइज है वो 32 बिट रख देगा, और अगर 64 बिट मशीन पे आप रन कर रहे हैं जिस तरह आपका कंप्यूटर वगैरह है, तो उस पे वो ऑटोमेटिकली साइज 64 कर देगा। जिस तरह हम लिखते हैं ना खास तौर पे i64 या u64, इसी तरह 32 बिट बनाना हो तो i32 u32 लिखते हैं। तो अगर हम उसकी जगह आई साइज या यू साइज लिखते हैं, अगर हम आई साइज लिखेंगे तो कंप्यूटर या रस्ट का कंपाइलर क्या करेगा कि वो जाके आपके कंप्यूटर का आर्किटेक्चर चेक करेगा, अगर वो 32 बिट है तो जो वेरिएबल बनेगा उसका साइज i32 या u32 होगा, ठीक है। अगर आपने आई आई साइज लिखा है तो i32 बन जाएगा, यू साइज लिखे तो u32 बन जाएगा। लेकिन अगर आप अपनी उस मशीन पे रन कर रहे हैं जिसका आर्किटेक्चर 64 बिट है, तो फिर अगर आपने आई साइज लिखा है तो वो i64 का वेरिएबल डिक्लेयर हो जाएगा, और अगर आपने यू साइज लिखा हुआ है वेरिएबल डिक्लेयर करते हुए, तो वो u64 टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर हो जाएगा, ठीक है, ऑटोमेटिकली। तो ये थी हमारी इंटीजर की टाइप्स। अब यहाँ वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये वही वाली बातें हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं ना। कहता है इन रस्ट ईच इंटीजर कैन बी ईदर साइंड और अनसाइंड एंड हैज एन एक्सप्लिसिट साइज। एक्सप्लिसिट साइज से मतलब वही है कि i8 या u8 या 16 या 32 या 64, ठीक है। और फिर दूसरी बात से वही वाली बता दी कि आई साइज एंड यू साइज टाइप डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ कंप्यूटर योर प्रोग्राम इज रनिंग ऑन। 64 बिट हो जाएगी साइज अगर आप 64 बिट आर्किटेक्चर वाले कंप्यूटर पर रन कर रहे हैं, और 32 बिट हो जाएगी अगर आप 32 बिट आर्किटेक्चर वाले कंप्यूटर या डिवाइस के ऊपर रन कर रहे हैं, ठीक है। और तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है, वो ये लिखी हुई है कि अगर आप वेरिएबल इंटीजर टाइप का डिफाइन करते हुए कोई भी टाइप डिफाइन नहीं करते कि u32 बनाना है, i32 बनाना है और व्हाटएवर, तो ये डिफॉल्ट में उसको i32 टाइप का वेरिएबल बनाता है। हमने देखा है पिछली स्लाइड में लिखा हुआ था कि ये जो रस्ट है ये एक स्टैटिस्टिकली टाइप लैंग्वेज है, और उसको वेरिएबल की टाइप शुरू में पता होनी चाहिए स्टार्ट होते हुए प्रोग्राम। तो अगर आपने नहीं दी, आप देना भूल गए, आपने दी नहीं, तो आप ये क्या करेगा रस्ट का कंपाइलर, ये खुद वो खुद ही उसको i32 डिक्लेयर कर देगा, ठीक है। तो अगर आप i32 ही चाहते हैं तो भले आप टाइप ना दें तो वो खुद से इसको ले लेगा, लेकिन अगर आप i32 के अलावा कोई टाइप चाहते हैं तो फिर आपको एक्सप्लिसिटली वहां पे लिखना पड़ेगा कि जी मेरा जो ये वेरिएबल बना रहे हो ये इस टाइप का वेरिएबल बनाओ। उसकी हम आगे एग्जांपल देख लेते हैं कि हम वो कैसे देते हैं। तो आप ये नीचे लाइन में कोड में देखें कि वो कह रहे हैं लेट वेरिएबल, उसके आगे हम कॉलन डालेंगे और आगे जो आपने टाइप देनी है ना वो दे देंगे, लाइक u32 इज इक्वल टू 100। यहाँ पे हम कल वाली अगर एग्जाम्पल में जाएं तो हम वहां पे लिखते थे लेट x इज इक्वल टू 100, ठीक है ना। तो जब हम x इक्वल टू 100 रखते थे तो वो ऑटोमेटिकली i32 टाइप डिक्लेयर कर देता था, ठीक है। मैंने आपको बताया कि जब आप कोई वैल्यू नहीं बताते, जैसे हम करते थे लेट x इज इक्वल टू 100 और कोई उसको टाइप नहीं बताते थे, तो ऑटोमेटिकली i32 रख देता था। अगर हमें u32 बनाना है तो हम यहाँ पे एक्सप्लिसिटली मेंशन कर देंगे। मेंशन करने का तरीका क्या है कि लेट वेरिएबल नेम, उसके आगे कॉलन लगाएं, उसके आगे वो टाइप दे दें, जिस तरह यहाँ पे हमने u32 लिखना था तो u32 दे दी, और इज इक्वल टू 100। ये जो नीचे तीर का निशान है वो डेटा टाइप है, ये सिर्फ आपको बताने के लिए कि इस जगह के ऊपर ये जो हमने u32 लिखा है ये उसकी डेटा टाइप बता रहा है, ठीक है। अभी हम इसको कमांड को रन करके भी देख लेते हैं अपने विजुअल स्टूडियो में। ये हमारा एक प्रोग्राम है,
ये देखिए, हमने एक सिंपल सा प्रोग्राम बना लिया और उस प्रोग्राम में हमने एक वेरिएबल बनाया एक्स का, उसकी हमने अभी कोई टाइप डिफाइन नहीं की और फिर हमने उसको प्रिंट भी करवा लिया। ठीक है, तो अब हम कोशिश करेंगे कि हम इस प्रोग्राम को रन करके देखें। ठीक है, मेरे ख्याल में आपको वजह नजर आ रहा होगा। तो हमने यहाँ पे कमांड लिखी कार्गो रन, तो देखें इसने कंपाइल करने के बाद ये वैल्यू प्रिंट कर दी 100। ठीक है, अब हम वापस आ जाते हैं अपने प्रोग्राम में। ठीक है, तो हमने यहाँ पे भी वेरिएबल की टाइप डिक्लेयर नहीं की थी। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे वेरिएबल की टाइप दे देंगे। हम दे देते हैं इसको फॉर एग्जांपल U64, सेव कर देते हैं। अब देखिए हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया, लेट एक्स इज इक्वल टू एक्स और आगे कॉलन डाला और उसकी आगे टाइप बता दी U64 और इज इक्वल टू 100, उसको हमने वैल्यू साइन कर दी 100 और उसको हमने प्रिंट करवा लिया। अब हम इस प्रोग्राम को सेव करते हैं और फिर चला के देखते हैं। ये देखिए आउटपुट में कोई फर्क नहीं पड़ा, ऊपर वाली आउटपुट और नीचे वाली आउटपुट में कोई खास फर्क नजर नहीं आ रहा, लेकिन बैक एंड पे क्या हुआ है कि पहले जो हमारा वेरिएबल बना था हमने कोई टाइप डिक्लेयर नहीं की थी, तो I32 टाइप का बना था और अब हमने जो वेरिएबल डिक्लेयर किया है ये U64 साइज का बन गया है। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हुए इंटीजर टाइप का उसमें अपनी मर्जी की टाइप दे सकते हैं, जो कि 5 टाइप्स हैं इंटीजर के लिए और 5 यानी कि साइंड इंटीजर के लिए और 5 टाइप्स हैं अनसाइंड इंटीजर के लिए। साइंड के लिए कौन कौन सी है, U8, U16, U32, U64 और U size, जबकि साइंड इंटीजर के लिए है I8, I16, I32, I64 और I size। ठीक है, I'm sorry, मुझे फ्लू का बड़ा जबरदस्त अटैक हुआ हुआ है तो मुझे बार बार रुकना पड़ा होता है बीच में ब्रेक लेने के लिए। तो जनाब ये हमारा हो गया इंटीजर डिक्लेरेशन। हम वापस आते हैं अपनी स्लाइड में। अब अगर आपने पता करना हो कि ये जो भी टाइप है एक वो मैक्सिमम कितना डाटा ले सकती है, तो ये यहाँ पे वही डिटेल लिखी हुई है कि जो आपका साइंड वेरिएबल होता है वो स्टोर कर सकता है -2n, -1 से लेके 2^n-1 तक। ठीक है, यहाँ पे जरा पावर शावर क्लियर नजर नहीं आ रही, ये अगर अपनी बुक में रीड करेंगे ना जो रस्ट की ऑफिशियल बुक दी हुई है तो उसके अंदर आपको ना चैप्टर नंबर 3 के अंदर ये बिल्कुल इजीली डिटेल मिल जाएगी। ये हमें बता रहा है कि जनाब आपका पहला सेशन आउट होने वाला है, तो हमारे पास मजीद 10 मिनट है, उसके बाद हम एक ब्रेक लेंगे और उसके बाद हम दोबारा से आपसे कहेंगे कि आप हमें ज्वाइन कर लें। तो अगर आपने ये मालूम करना हो कि I8 कितनी जगह ले रहा है, I32 कितनी जगह ले रहा है, या अनसाइंड के लिए जो होते हैं वो 0 से लेके 2^n-1 तक होता है, तो इस फॉर्मूला की मदद से आप ये रेंज निकाल सकते हैं कि U8 कितनी जगह लेगा, I8 कितनी जगह लेगा, I64 कितनी जगह लेगा, U64 कितनी जगह लेगा। ठीक है, अच्छा ये जो आगे हमने वैल्यू दी थी ना
एक्स इज इक्वल टू 100 दिया था अपने प्रोग्राम में, तो वो अब आपको ना पता होगा कि डेसिमल टाइप होती हैं, हेक्साडेसिमल टाइप होती हैं, ऑक्टल टाइप होती हैं, बाइनरी टाइप होती हैं और बाइट टाइप होती हैं। अब ये क्या मुसीबत है, ये हम डिस्कस करके ना अभी वाला जो है एंड करेंगे, और फिर 10 मिनट 3-4 मिनट का वेट लेके ब्रेक लेके उसके बाद हम दोबारा से ज्वाइन करेंगे इसी सेशन को और बाकी वाली टाइप्स पढ़ के। आज हमारा प्लान ये है कि वैसे मेरी तबीयत भी ख़राब है और दूसरा थोड़ा सा वो भी चल रहा है, अपना असाइनमेंट्स का भी इशू है कुछ, तो हम इसको ज़्यादा लंबा नहीं लेके जाएंगे, ठीक है। तो हम सिर्फ इंटीजर और फ्लोट को आज डिस्कस करेंगे, इससे मे भी आप लोगों को असाइनमेंट में भी अगर किसी का कोई इशू आ रहा है तो उसको भी शायद थोड़ी सी हेल्प मिल जाए, वो उसमें ज़रा वो फ्लोट वेरिएबल वगैरह के हवाले से आइडिया हो जाए। तो हमारे यहाँ ना टाइप्स होती हैं, तीन चार हैं डाटा की ना, एक डेसिमल टाइप है, ये जो हम नॉर्मल एवरीडे लाइफ में हम यूज़ कर रहे होते हैं ना, नंबरिंग सिस्टम सारे का सारा हमारे डेसिमल सिस्टम है। इसमें टोटल 10 डिजिट होते हैं, कौन कौन से, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0। जब 10 आता है ना तो 1 और 0 दो डिजिट मिलके 10 बना लेते हैं, मतलब होते वो 1 से 9 के अंदर ही वाले डिजिट होते हैं जो कि रिपीट हो रहे होते हैं। फिर एक है हेक्स, ये हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल में 16 डिजिट होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। उसके बाद ए होता है, 10 को कहते हैं, इसी तरह बी 11 को, फिर सी डी ई एफ, तो एफ तक जाता है, ठीक है। ये जो लोग मैथमेटिक्स वगैरह पढ़ते हैं उनको हेक्साडेसिमल टाइप का जरा अच्छी तरह से आइडिया होगा, जिनको नहीं है उनको फिलहाल इस बारे में ज़्यादा गौर व फिक्र करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा वास्ता ज़्यादातर जो है अभी डेसिमल से ही पढ़ता रहेगा। तो आप इसके ऊपर गूगल पे विकीपीडिया पे सर्च कर सकते हैं इन नंबरिंग सिस्टम की कि क्या जरूरत है, कहाँ क्या इफादियत वगैरह वगैरह। ऑक्टल नंबर जो होते हैं वो होते हैं 0 से 7 तक, इसमें जिस तरह डेसिमल में 1 से ले मतलब 10 डिजिट होते हैं ना, तो इसी तरह ऑक्टल में 7 डिजिट होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसी तरह बाइनरी में 2 डिजिट होते हैं, 0 और 1, ठीक है, 1 और 0। और इस तरह बाइट जो होता है ना वो 8 बिट का होता है, U8 होता है ओनली, और उसमें वो करेक्टर वैरेक्टर भी आ सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इंटीजर लेटर होते हैं, हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। फिलहाल हमारा जो काम है वो डेसिमल के साथ है, और डेसिमल को डिफाइन करने का तरीका ये है कि जो नंबर होता है हम उसी तरह लिख देते हैं, ठीक है। 100 था तो हमने 100 लिख दिया। हेक्साडेसिमल अभी हमने यूज़ नहीं करना है, लेकिन अगर हमने कोई हेक्साडेसिमल नंबर लिखना हो तो उससे पहले हमें 0x लगाना पड़ेगा। ऑक्टल नंबर अगर हमने लिखना हो, यानी कि लेट एक्स इज इक्वल टू, अगर हमने ऑक्टल में कोई वैल्यू देनी है तो उससे पहले हम उस नंबर के शुरू में जो भी हम वैल्यू देना चाह रहे हैं उससे पीछे हम 0O लगा देंगे। बाइनरी देना है तो 0B लगा के 1010010 जो भी बाइनरी देंगे वो उसमें रिसीव कर लेगा, स्टोर कर लेगा, ठीक है। ये तरीकाकार है, लेकिन हमारा जो मेजर फोकस होगा ना अभी, चूंकि टाइम भी कम है और अभी हमारा उस लेवल पे हम पहुंचे भी नहीं, जब पहुंचेंगे तो हम दोबारा से अपने सेशंस में इसको डिक्लेयर कर देख लेंगे अच्छी तरह डिटेल में जाके कि बाकी डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होते हैं। फिलहाल हमारा वास्ता डेसिमल से लेना है, और डेसिमल को डिक्लेयर करने का बड़ा आसान सा तरीका है वही वाला कि लेट वेरिएबल नेम कॉलन लगा के टाइप इज इक्वल टू वैल्यू दे दें आप डेसिमल वाली, ठीक है। दूसरी चीज़ वो आपकी हमारे हमारे सेशन की आखिरी चीज़ होगी, वो हमने एक छोटी सी ब्रेक लेके ना फिर उसके बाद दोबारा ज्वाइन करेंगे। तो आप लोग ऐसे करें कि आप थोड़ा सा टाइम दें मुझे, यानी कि 10:05 हो रहे हैं, 10:10 पे आपको ना मैं दोबारा से ग्रुप के ऊपर URL शेयर करूंगा, आप 5 मिनट की ब्रेक के बाद जो है ना वहाँ दोबारा ज्वाइन कर लें। वहाँ हम सिर्फ ये फ्लोटिंग पॉइंट को पढ़ेंगे अभी, और इसी तरह एक बार उसका प्रोग्राम चला के देखेंगे, और फिर हम आज का सेशन एंड कर लेंगे, ठीक है, क्वेश्चन आंसर्स के बाद। तो चलें जी, मिलते हैं एक छोटी सी 5 मिनट की ब्रेक के बाद 10:10 पे।